ट्वेल्थ वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री स्टूडेंट। आप केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे, बायो मॉलिक्यूल, जिसमें मैंने आपको दो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया। तो आज जो आप पढ़ोगे वो आज आपका है टर्शरी स्ट्रक्चर। क्या होता है टर्शरी स्ट्रक्चर? एराइज ड्यू टू द फोल्डिंग, कॉइलिंग एंड बाइंडिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चैन प्रोड्यूसिंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जब क्या करते हैं, इसकी फोल्डिंग करते हैं, कॉइलिंग करते हैं या बाइंडिंग करते हो तो पॉलीपेप्टाइड चैन की जो प्रोड्यूस किया होता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। दीज स्ट्रक्चर गिव्स द ओवरऑल शेप ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर क्या देते हैं हमें? ओवरऑल शेप प्रोटीन्स की शेप में देते हैं। दीज इन्वॉल्व्स द फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। टू मेजर मॉलिक्यूल्स से फाउंड आउट द फाइब्रस एंड द ग्लोबुलर्स। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं? सिल्क कोलेजेंस एंड अल्फा कैरोटीन्स हैव लार्ज हेलिकल कंटेंट एंड हैव रॉड लाइक रिजिड शेप एंड आर द इंसोलुबल इन वाटर। ये क्या होते हैं? इंसोलुबल होते हैं वाटर में। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन। द पॉलीपेप्टाइड चैन कंसिस्ट पार्शली ऑफ हेलिकल सेक्शन टू गिव द स्पेरिकल शेप्स। क्या देते हैं? स्पेरिकल शेप देते हैं आपको। क्वेनेटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? मेनी प्रोटीन्स एग्जिस्ट एज अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड बट देयर आर सम प्रोटीन्स विच हैव द टू आर मोर पॉलीपेप्टाइड चैन कॉल्ड द सब यूनिट्स और प्रोमोटर्स। दीज आर हेल्ड टूगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन एंड द वंडरवास इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चैन और सब यूनिट्स, टू आइडेंटिकल अल्फा चैन एंड टू आइडेंटिकल बीटा चैन। एंड इसके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर के सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर जो कॉइलिंग फॉर्म में एंड कॉनेटरी स्ट्रक्चर तो जो कि आपकी प्रोटीन्स फॉर्म में। फोर्सेस दैट द स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोफोलिक बॉन्डिंग, ये सारे फोर्सेस एलाइजेस होते हैं। सॉल्ट ब्रिजेस फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोलिक इंट्रैक्शंस होते हैं। नेटिव स्टेट एंड द डी नेट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्या होते हैं? नेटिव स्टेट में द मोस्ट एनर्जेटिकली स्टेबल होते हैं स्टेट ऑफ द प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स फाउंड करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम विथ अ यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में। डी नेट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स के क्या होते हैं? दीज प्रोसेस दैट चेंज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इस प्रोसेस में फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है प्रोटीन्स की जो बिना अफेक्टिंग किए केमिकल कंपोजिशन को चेंज करती है। कॉज्ड बाय द चेंजेस इन पीएच, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट, सर्टेन केमिकल एजेंट। डी न्यूट्रेशन जो होते हैं डज नॉट चेंज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बट द रिजल्ट फॉर्म रीअरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल ऑफ द डी न्यूट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, कॉन्ग्लेशंस होते हैं, एब्लुमिन प्रेजेंट होते हैं वाइट ऑफ द एग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, द कॉन्ग्लेशंस ऑफ मिल्क इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, लेमन जूस ऑफ फॉर्म चीज। इन सम केसेस द डी न्यूट्रेशन प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डी न्यूट्रेशन इज कॉल्ड द री न्यूट्रेशंस। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? द पार्टिकल्स विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स और कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होते हैं जो पॉलीमर्स विच आर द प्रेजेंट होते हैं ऑल लिविंग सेल्स में। इसको रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, जिसके क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं पॉलीक्लोटाइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, हाई पॉलीमराइड्स चैन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स जो स्टर चैन होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। एंड द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज द डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड ए नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रो हेट्रोसाइक्लिक बेस होते हैं, ए फाइव कार्बन शुगर्स होते हैं, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप्स। इसमें होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक बेस होते हैं, इसमें होते हैं प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में होते हैं टू फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं, और पाइरिमिडिन्स में होते हैं सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग। एडिमाइन्स एंड द ग्लूकाइन्स और द सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स, और साइटोसाइन्स सी से, थायमाइन्स को टी से, अन्यूरिन्स को सी यू से, और द सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन्स, जैसे आप थायमिन टी से, क्लैरियल सी एल सी से,
यू से यू एंड द साइटोसाइन सी से। आरएनए कंटेन करते हैं यूरेसियल सिस्टीड और थाइमीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, यूरेसियल। एंड सुगर्स जो होते हैं आरएनए बीटा डी राइबोसोम होते हैं, डीएनए बीटा टू डीऑक्सी राइबोसोम। थ्री इज अ फॉस्फेट सुग्रुप, ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिंकेज द न्यूक्लिक एसिड के लिए। एंड द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं बेस प्लस सुगर इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। दिस सुगर इन आर एन ए न्यूक्लियोसाइड इन राइबोसोम, द सुगर इन डी एन ए इज द डीऑक्सी राइबोन। आर एन ए जो होते हैं कंटेन होते हैं यूरेसियल बेस में और डी एन ए कंटेन होते हैं थाइमाइन बेस में। द प्यूरिन और द पिरिमिडीन जो होते हैं बेसिस होते हैं अटैच्ड होते हैं किसके साथ, पोजिशन आई ऑफ द पेंटोज थ्रू एन ग्लाइकोसाइड लिंकेज के साथ। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं जब क्या करते हो मेन फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू द न्यूक्लियोसाइड द कंपाउंड फॉर्मिंग कॉल द न्यूक्लियोटाइड। बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स आर द जॉइंट होते हैं किसके साथ, फॉस्फोडिस्टर लिंकेज के साथ। एंड द एस वन एंड्स फॉस्फेट सुगर बेस होता है फॉस्फेट सुगर बेस थ्री एंड्स। द जॉइनिंग ऑफ द सुगर यूनिट्स ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड। एंड द आर एन ए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेस प्लस राइबोसोम इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड गोज टू न्यूक्लियोटाइड। एडिमाइंस प्लस राइबोसोम जो होते हैं एडिनोसाइंस प्लस फॉस्फोरिक गोज टू एडिनोसाइड। ये सारे ये होते हैं, आप पढ़ लीजिए क्या क्या होते हैं, और आप पढ़े हो डी एन ए न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं ये भी आप पढ़े हो उसमें बायो में। एंड द स्ट्रक्चर क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड की, प्राइमरी स्ट्रक्चर या आर द पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसका मतलब फॉर्म करते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स। बैकबोन होते हैं न्यूक्लियोसाइड के जो कंसिस्ट होते हैं अल्टरनेटिंग सुगर फॉस्फेट रिसाइडनेस ईच सुगर ऑन द बैकबोन फर्दर कनेक्टेड इन वन और द फोर नाइट्रोजन बेसिस लाइक दिस। एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं विंकली सोर्ट करते हैं डी एन ए मॉलिक्यूल्स, ये होते हैं हेलिकल स्पाइरिकल फॉर्म में जो होते हैं हेलिकल कंटेन करते टू इंटरवीड स्टैंड टू चैन आर द अटैच्ड होते हैं सच अ माइनर वे में, एक माइनर वे में। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं किसने दिया, जे डी वाटसन ने दिया था, एफ एच सी क्रिक। डी एन ए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करते टू पॉली डिटॉइड्स चैन जो ट्विस्टेड होते हैं कॉमन एक्सिस में बट रन करते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। द टू चैन्स होते हैं ज्वाइन होते के साथ स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडिनाइंस और थाइमीन एंड द ग्लूनाइंस एंड द साइटोसाइंस। टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स जो होते हैं इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स के इक्वल होते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू सी प्लस टी। अप्रॉक्सीमेटली जो होते हैं देयर आर द न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं यूनिट्स ऑफ वन होते हैं। एंड दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं क्या होते हैं डीऑक्सी राइबोसोम एडिनिल्स एंड द थाइमिन्स डीऑक्सी राइबोसोम और टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए और द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अदर फोर्सेस जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोफॉस्फोरिक इंट्रैक्शन बिटवीन द बेसिस। डीएनए होते हैं हेलिकल्स कैन बी राइट हैंडेड एज वेल एज सो लेफ्ट हैंडल्स। बीटा कॉन्ट्रैक्शन कॉन्फ्रिगेशन जो होते हैं डीएनए का होते हैं रिज राइट हैंडर हेलिकल्स मोस्ट स्टेबल होते हैं। मेल्टिंग क्या क्या होती है वेन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट और हीटिंग सेपरेट हो जाते हैं हीटिंग करने पे। एनिलिंग क्या होता है जब टू स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए की हाइब्रिडाइज ऑन कूलिंग कूलिंग करने पर हाइब्रिडाइज होते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की फंक्शन क्या होती है रिपब्लिकेशंस होती है मतलब सिंगल डीएनए मॉलिक्यूलर प्रोड्यूस करते हैं टू आइडेंटिकल कॉपीज से। रिपब्लिकेशन ऑफ डीएनए इज द एंजाइम्स होते हैं कैटालाइज्ड होते हैं प्रोसेस। जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन होते हैं सेल्फ कोडेड सीक्वेंस और बेसिस ठीक। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं क्या डीएनए मॉलिक्यूल्स की भी आप पढ़ लीजिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होते हैं। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है आप पढ़ लीजिए। तो जो जो इसमें है तो ये आपका चैप्टर कम्प्लीट हुआ। ओके क्लास, थैंक यू।